हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होगे। मैं आपकी प्यारी अंजलि मैम, और आप देख रहे हैं लर्न विद जैनित गुरु। तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे तो करो बेटा, अगले मंथ से आपके आई थिंक स्कूल में एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप कहोगे, उस टाइम तो फिर आप कहोगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हम कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। तो अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आप क्या करो, पढ़ो। अभी पढ़ाई करोगे तो फिर आगे अगर एग्जाम भी आएगा ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा आपके पास, ज़्यादा लोड भी नहीं होगा, एकदम आप फ्रीली होगे, क्योंकि आपको पहले से तो आता है। फिर एंड टाइम पे आपको ज़्यादा लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो आज की क्लास में हम कर रहे हैं क्लास 2nd का चैप्टर 4th, काउंटिंग इन ग्रुप्स। ओके, काउंटिंग इन ग्रुप्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी एंड बहुत छोटू सा चैप्टर है। ठीक है, वहाँ आज की लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। ठीक है, तो क्या है इस चैप्टर में? देखो, चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स। छोटी छोटी चिकन्स एंड, देखो दिख रहे हैं ना, छोटी छोटी चिकन्स एंड क्लेवर फॉक्स। ठीक है, लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। तो टिकलू फार्मर हैज अ मैनी चिकन्स इन हर फार्मर। जो एक टिकलू फार्मर था, उनके फार्म में बहुत सारे छोटे छोटे से बहुत सारे चिकन्स थे। ठीक है, वन डे अ क्लेवर फॉक्स सो दिस नॉटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड। एक दिन वो जो चालाक लोमड़ी था, उसने उन छोटे छोटे चिकन्स को अपने आसपास खेलते हुए देख लिया होगा। ठीक है, आगे क्या है? फ्रॉम दैट डे सी स्टार्टेड स्टीलिंग एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे। उस दिन से वो जो लोमड़ी था, वो क्या करने लगा था? उसे चुराने की कोशिश कर रहा था, या उन्हें खाने की कोशिश कर रहा था, उन छोटे छोटे चिकन्स को। ठीक है, टिकलू कम टू नो अबाउट इट। टिकलू को इसके बारे में पता चल गया था। सी आस्क्ड द फॉक्स। उसने फिर उस फॉक्स से पूछा, हे हे, डू यू ईट माई चिकन्स? क्या तुम मेरे चिकन्स खा रहे हो? तो कह रहा, नो डियर, आई एम योर फ्रेंड। नहीं, मैं आपका फ्रेंड हूँ, हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स? कैसे मैं आपकी चिकन्स खा सकता हूँ? ओके, वो अपनी, अब इससे आप समझ रहे हो ना कितना चला के वो क्या कर रहा है। वो ट्राई कर रहा है कि वो जो टिकलू है, ठीक है, उसको अपनी बातों में, उनको अपनी बातों में फंसा लेगा, और उनको अपनी बातों में फंसा के क्या करेगा, उनकी जो चिकन से छोटे छोटे उसको चुरा लेगा। ये तो सोच रहा है, देखा उसके दिमाग, उसका कॉमन सेंस देख रहे हो, बहुत आगे तक जा रहा है। तो आगे क्या है? टिकलू थ्रो टू काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब जो टिकलू, वो सोचने लगा, हाँ, उसने क्या स्टार्ट कर दिया, उसने सुबह और शाम दोनों टाइम अपनी जो चिकन थे उसको क्या करने लगा, काउंट करने लगा। बट द चिकन कीप्ट मूविंग अराउंड हेयर एंड देयर। बस उसके जो छोटे छोटे से चिकन थे, वो क्या करते थे, हमेशा इधर उधर भागते रहते थे। ठीक है, देखो भाई, वो जो छोटे छोटे से चिकन थे, उनका मन थोड़ने लगा, वो इधर या उधर तो जाते रहेंगे। जैसे आप छोटे से बच्चे हो, पढ़ाई ढंग से करते ही नहीं हो, है ना, एक एक मिनट तो आप पढ़ने ढंग से बैठ नहीं सकते हो। हर 5 मिनट में कभी इधर जाओगे, कभी वॉशरूम जाओगे, कभी पानी पीने जाओगे। तो ऐसे ही वो भी छोटे छोटे से चिकन से, ठीक है, उनका भी मन नहीं लगता, वो भी यार 2-2 मिनट में इधर जाएंगे, कभी कभी उधर जाएंगे। ठीक है, तो सी सेड, उनने कहा, आई विल पुट 10 चिकन्स इन वन बकेट एंड काउंट देम। मैं एक बकेट में 10 चिकन्स रखूंगी और उसे काउंट करूंगी। ठीक है, एंड इफ आई फाउंड एनी ऑफ देम मिसिंग, आई विल गिव द फॉक्स टू टाइट स्लैप। एंड इफ आई फाइंड एनी ऑफ देम मिसिंग, अगर मैंने जितने भी बकेट में से हैं उनमें से किसी एक को भी मिसिंग पाया, तो मैं एक फॉक्स को टाइटली स्लैप करूंगी, मतलब एक टाइटली थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या है? अब एक्सरसाइज है, अब हमें इसमें क्या करना है, देखो। इन द मॉर्निंग सी काउंटेड हर चिकन। अब वो मॉर्निंग में अपनी चिकन को काउंट करने लगी। ठीक है, हाउ मैनी बास्केट्स ऑफ किचन आर देयर। यहाँ पे कितनी चिकन की बास्केट्स हैं, हमें काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितनी है? 5 बास्केट्स हैं। ठीक है, हाउ मैनी चिकन्स आर देयर इन ऑल? 50 + 4 = अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्या है हमारे पास, बहुत सारे बास्केट्स हैं, उनमें बास्केट्स में क्या रखी है, चिकन्स रखी हैं। ओके, तो इसमें पूछा है, हाउ मैनी चिकन्स आर देयर इन ऑल, यहाँ पर इन सब में कितनी चिकन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 50 + 4, एंड 50 + 4 कितना होता है, 54 है क्या, हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. यस, टोटल कितनी है? 54 है. चलो आगे देखते हैं. इन द इवनिंग सी काउंटेड द चिकन अगेन. अब शाम हो गई है ना, उसने जैसे कहा था ना कि वो सुबह और शाम दोनों टाइम अपनी चिकन्स को काउंट करेगी. अब सुबह तो हो गई, सुबह उसने काउंट कर लिया. चलो अब शाम भी हो गई, अब उसने क्या किया, शाम को अपनी चिकन्स को फिर से काउंट किया. ठीक है, देयर आर डैश बकेट्स ऑन ऑफ 10 चिकन्स. ठीक है, देयर आर डैश बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स. यहाँ पे कितनी बास्केट थी? 4 बास्केट थी. किसकी? चिकन्स की. ठीक है, ओके. देयर आर डैश +3 इज इक्वल टू चिकन्स इन ऑल. अब इनमें कितनी चिकन्स है काउंट कर लेते हैं. अब देखते हैं टोटल कितनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41. क्या मैंने गलत काउंट किया? अगेन काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40. ओके, उसकी बास्केट में, उनकी बास्केट में कितनी है? 40 है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 40. आप पूछोगे मैम ये +3 कहाँ से आए? +3 यहाँ से आए क्योंकि यहाँ पे 3 चिकन्स जो हैं वो बाहर भी तो हैं, तो हमने 3 कर दिया. एंड 40 + 3, 43. वेरी नाइस. चलो आगे देखते हैं. 54 माइनस डैश इज इक्वल टू डैश चिकन्स हैव बीन ईटन बाय फॉक्स. अब हमारे पास टोटल 54 थे. ओके, अब हमारे पास 54 थे, उसमें से हमारे पास 43 बचे हैं. माइनस करते हैं इनको, हमारे सब कितने गायब हुए हैं? तो 4 में से 3 गया 1, एंड 5 में से 4 गया 1. तो हमारे पास टोटल कितने चिकन गायब हो गए? 11. ओके, अब तो भाई उन जो आंटी हैं उनको तो अब गुस्सा आएगा. ठीक है, उन्होंने तो पहले ही कहा था अगर मेरी एक भी चिकन्स मेरी बास्केट्स में से गायब हुई तो मैं उस फॉक्स को एक टाइट का स्लैप दूंगी. कहा था ना, तो 11 चिकन्स तो यहाँ गायब हो चुकी हैं. ओके, तो हमने यहाँ क्या लिखा? 54 माइनस हम क्या कर देंगे यहाँ पर 43 इज इक्वल टू 11. देखो जैसे कि हमने किया, चिकन्स हैव बीन ईटेड बाय फॉक्स. जो 11 चिकन्स थे वो क्या हुई है? फॉक्स ने खा लिए. ओके, अब इसी बात पे देखो ये जो आंटी हैं इन आंटी का फेस देखो कितना गुस्से वाला दिख रहा है. अब तो ये उनको छोड़ेगी नहीं उस फॉक्स को. आगे देखो, देखो जैसे ये भाग भी रहा है यहाँ से खा के. हाउ मैनी आर दीज. ओके, देखते हैं. भानु कलेक्ट्स स्टिक्स फ्रॉम द जंगल. भानु जो थे उन्होंने क्या किया? जंगल से बहुत सारी लकड़ियों को कलेक्ट किया. सी He sells them in the market. उनने उन सबको मार्केट में सेल्स किया. ओके, आगे देखते हैं. He uses 10 sticks to make a bundle. उसने 10 sticks का एक बंडल बनाया. ओके, 3 bundles have 10 sticks. अब देखो अगर उसके पास एक बंडल में 10 sticks हैं, ओके, तो 3 bundles में उसके पास कितने स्टिक्स होंगे? तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 10 × 3 कर देंगे. अब 10 × 3 कितना होता है? 30. वेरी नाइस बच्चों, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 30. तो 3 bundles में कितनी स्टिक्स हैं? 30 sticks हैं. ओके, नाउ हाउ मेनी स्टिक्स इन ऑल आर देयर. अब हमें यहाँ पे काउंट करने के, यहाँ पे टोटल कितनी स्टिक्स हैं? तो वेरी इजी, जितने भी यहाँ पर हैं हम उसे काउंट कर लेते हैं. अब देखते हैं कितनी स्टिक्स हैं. तो चलो देखो ये वाली काउंट करनी है, इसमें देखते हैं कितनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 में 10 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसमें भी 10 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसमें भी 10 है. 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30. ओके, यहाँ तो 30 हो गए. अब देखो यहाँ पे कितने रखे हैं?
क्योंकि इन्हें भी तो काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 30 + 9 = 39। वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पे कितने स्टिक्स हैं? 39 स्टिक्स इन ऑल। हमारे पास यहाँ पे कितनी है? 39 है। ओके चलो, फोर बंडल्स वुड हैव डेथ स्टिक्स। अगर मान लो आपके पास फोर बंडल्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितने स्टिक्स होंगे? फोर बंडल्स में कितने स्टिक्स होंगे? अगर हमारे पास एक बंडल में, जैसे हमने देखा था वन बंडल, एक बंडल्स में हमारे पास अगर 10 स्टिक्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास, वेट एक मिनट, 10 स्टिक्स हैं, तो हाँ, अगर फोर बंडल्स में कितनी होंगी? तो फोर बंडल में 4 × 10 कर देंगे। अगर हम 4 × 10 करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, तो 4 × 10 कितना होता है? 40। तो हमारे पास यहाँ पर 40 स्टिक्स हैं। ओके चलो आगे देखते हैं। देयर इज द वेडिंग इन मालतीज हाउस। अब मालतीज हाउस के घर में एक शादी है, ठीक है। सी मेकिंग फ्लावर गार्डलैंड्स। अब वो क्या कर रही है? एक फ्लावर का गार्डलैंड्स बना रही है, ठीक है। तो सी यूजेस 10 फ्लावर्स टू मेक अ वन गार्डलैंड्स। तो उसने क्या किया? वो 10 फ्लावर्स का यूज कर रही है एक माला बनाने के लिए। एक माला में वो टोटल कितने फ्लावर्स लगा रही है? 10 फ्लावर्स लगा रही है। ओके चलो आगे क्वेश्चंस क्या दिया है यहाँ पे देखो। यहाँ पे कितने फ्लावर्स रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 फ्लावर है। तो यहाँ क्या लिखा है? 8 फ्लावर्स। ओके नेक्स्ट क्या है? सो देयर आर डेथ फ्लावर्स इन ऑल। तो हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं। तो देखते हैं इन सब में, एक में नहीं सब में। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर वो एक माले में 10 फ्लावर्स का यूज करे, अगर देखो अगर एक उसके पास गार्डलैंड्स हैं, ठीक है, जिसमें वो 10 फ्लावर्स का यूज कर रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उसके पास कितने मालाज हैं? 1 2 3 4 5 5 हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे 5 × 10 कर देंगे। अब हम 5 × 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। वेरी इजी था, क्योंकि 10 की टेबल सबको यूँ याद होनी चाहिए। अगर 10 × 50 होगा तो मतलब हमारे पास टोटल फ्लावर्स यहाँ पे कितनी है? 50 है। समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर। अब हमें यहाँ देखना है हमारे पास यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं। डैश फ्लावर्स इन ऑल, पर हमें ये देखना है, हमें ये नहीं देखना कि माला में कितने फ्लावर है, हमें ये भी देखना है कि जो माला में वो भी कितनी है, और अगर जो यहाँ पे अगल बगल कहीं साइड में रखी भी है उनको भी काउंट करके देखना है कि वो टोटल कितनी माला फ्लावर्स हैं। ओके तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वन माला में 10, तो 10 10 10 10 10 10, 1 2 3 4 5 6, तो 10 × 6 = 60। ये तो हमारे पास 60, ये तो हमारे पास माला कितने। अब देखते हैं बाहर कितने। 1 2 3 4 5 6 7, तो 60 + 7 = 67। तो यहाँ पर हम टोटल जो फ्लावर्स हैं कितनी है? 67 है। ओके चलो आगे देखते हैं। हाउ मैनी गार्डलैंड ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग 21 फ्लावर्स, ड्रॉ देम इन द स्पेस बिलो। अब देखो इसमें क्या करना है। हाउ मैनी गार्डलैंड ऑफ 10 फ्लावर्स, ठीक है, 10 फ्लावर्स में आप कितने गार्डलैंड बना सकते हो, ठीक है। ईच कैन यू मेक यूजिंग 21 फ्लावर, क्या आप एक एक माला 21 फ्लावर्स का बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे जो स्पेस दिया है इसमें आपको ड्राइंग करनी है। ओके तो ये मैं आपको क्या दूंगी? होमवर्क, सबको पता है, ठीक है। ये आप करके मुझे कमेंट कर देना या लाइक कर देना कि मैम मेरा हो गया। ओके चलो आगे देखते हैं। लीला कैन यू सी ऑल दीज पेंसिल्स। अब ये एक माँ है और ये एक बेटी है, ठीक है। अब इस ये क्या कह रही है? लीला, तो मतलब अगर ये कह रही है तो ये किससे कह रही है? अपनी बेटी से ही कह रही है। तो मतलब जो ये लड़की है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है लीला। ओके तो ये क्या कह रही है? ये कह रही है लीला कैन यू सी ऑल दिस पेंसिल्स, क्या तुम ये सारी पेंसिल्स को देख सकती हो? हाउ मैनी आर दीज, ये कितनी सारी हैं? इफ यू मेक अ गुड गैस ऑल दिस विल बी योर्स, अगर तुमने सही गैस कर लिया
तो जितने भी पेंसिल्स है वो क्या होंगी, वो सब तुम्हारी हो जाएंगी, ऐसा उनने कहा। ओके तो अब देखते हैं क्या है, लेट अस हेल्प लीला। अब हमें क्या करना है, लीला की हेल्प करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ पेंसिल, पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर। अब यहाँ पे 10 पेंसिल्स के कितने पॉकेट्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो हमें इतना तो पता चल गया कि एक पॉकेट में टोटल कितनी है, 10 पेंसिल्स हैं। तो हमारे पास कितनी पॉकेट्स हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 3 तो यहाँ पे हो गया, 4, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6। हमारे पास टोटल कितनी पैकेट्स हैं, 6 पैकेट्स हैं, ठीक है, तुमने यहाँ लिख दिया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पॉकेट्स। अब पॉकेट्स के बाहर कितनी सारी पेंसिल रखे हैं, उन्हें भी काउंट करना है। चलो भाई उसे भी काउंट कर लेते हैं। अब पॉकेट्स के बाहर कितनी पेंसिल्स रखी है, 1 2 3 एंड 4। तो कितनी पेंसिल्स रखी है, 4 पेंसिल्स रखी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4। ओके सो ऑल टुगेदर आर देयर 10 पेंसिल्स। अब हमें सबको कंबाइन करके काउंट करना है कि यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हैं। तो देखो जैसे कि हमने देखा एक पॉकेट में हमारे पास कितनी एक पॉकेट में हमारे पास कितनी है, 10 पेंसिल्स हैं। ओके 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है, एक पॉकेट में 10 पेंसिल्स हैं। हमारे पास पॉकेट्स कितनी है, हमारे 6 पॉकेट्स हैं, तो हमारे पास टोटल पेंसिल तो ये होगी 16। अब इसमें बाहर कितनी है, पॉकेट्स के बाहर कितनी थी, हमारे पास 4 थी, तो 60 प्लस 4 64। ओके तो हमारे पास टोटल पेंसिल्स कितनी है, 64। ओके वेरी इजी पीजी हो गया सॉल्व। अब आगे देखते हैं, कनक लाइक कलेक्शन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिंदीज। अब जो कनक थी एक लड़की है, इसको क्या पसंद है, इसे बिंदीज का कलेक्शन करना बहुत पसंद है। ओके तो क्वेश्चन यहाँ क्या दिया उसे देखते हैं, हाउ मैनी पॉकेट्स डज सी हैव। अब उसके पास कितनी बिंदीज की पैकेट थी, अब उसके पास कितनी पैकेट थी बिंदी की, हमें ये बताना है। तो देखते हैं कितनी पैकेट थी, 1 2 3 4 5 6 7। उसके पास टोटल कितनी पैकेट थी, 7 थी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो हाउ मैनी बिंदीज इन ऑल। अब वो 7 पैकेट्स के अंदर टोटल कितनी बिंदीज थी, वो भी काउंट करते हैं, वेरी इजी। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लूं जिससे आपको एकदम धमाकेदार दिख सके कि मैं क्या लिख रही हूँ। ओके नहीं ये लाइट हो जाएगा ज़्यादा, कौन सा रखूँ कौन सा रखूँ, पर्पल। ओके चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी 10 है। तो टोटल हमारे पास 10 है, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70, तो टोटल कितनी बिंदीज है, 70 बिंदीज है। चलो अब क्या है, ईच पैकेट्स हैज 3 प्लस 4 प्लस 3 बिंदीज, तो 3 3 6 6 प्लस 4 10। तो हर एक पैकेट्स में टोटल कितनी बिंदीज है, 10, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने कर लिया। नाउ यू ड्रॉ 10 बिंदीज इन डिफरेंट वे। अब आपको 10 बिंदीज को ड्रॉ करनी है अलग अलग तरीकों में, ठीक है, तो ये भी आप खुद करेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ लिखूंगी बहुत अच्छे अच्छी राइटिंग में, डू योर सेल्फ। ओके बिच्छू कर लेना, ओके बहुत समझदार बच्चों करोगे आप भी। चलो ये चैप्टर तो इतना छोटू सा था कि पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया है ना, तो ये चैप्टर होता है यहीं फिनिश। ओके मैंने तो पहले ही कहा था चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत जल्दी हो जाएगा और आज के लेक्चर में ही हम इसे कंप्लीट करेंगे, तो चैप्टर हो गया यहीं खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ
अगर समझ में ना आए तो बार बार वीडियो देखना जिससे समझ में आ जाए। ओके बाय, सी यू।